गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, क्लास 11। टुडे इन दिस पीरियड अकाउंटेंसी चैप्टर 7 अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें अलग सारी चीजें इक्वेशन के अलग अलग स्टेप हैं। पहले आप मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग समझ। अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द सोर्सेज which finance the resources and is expressed as follows। देखिए अकाउंट में हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता दिया था, फिर सुन ले। रिसोर्सेज और सोर्सेज ये दो होता है, ये दोनों रिसोर्सेज में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। रिसोर्सेज कहते हैं जैसे किसी चीज को आपने किसी भी गुड्स अपने बाहर से मंगाया और उसका यूज ना होने के कारण आप उसको फिर दूसरे यूटिलाइज में सेल कर दिया या किसी को पैसे देकर या दूसरे को जिसको बहुत जरूरत थी उसको दे करके आपने कैश ले। सोर्सेज कहते हैं रिसोर्सेज इक्वल, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखिए डायरेक्ट किसी चीज को आपने बिजनेस में कैश रिसीव्ड किया है उसको हम कैपिटल कहेंगे, लेकिन यदि आपने कहीं बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया तो उसको हम कैपिटल तो कहेंगे लेकिन रिसोर्सेज कैपिटल बोलेंगे। क्यों? सपोज करिए आपने बैंक में अप्लाई किया और आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद में आप उसको असेस्ट में कैपिटल में यूज कर करके कह सकते हो लेकिन हम उसको कैपिटल नहीं कह सकते बाद में करें, क्योंकि उसका आपको रिफंड देना पड़ेगा। जो लोन आपने लिया उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, ठीक है। तो रिसोर्सेज मीन द असेट्स रिफर्स टू द टेंजिबल ऑब्जेक्ट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेबिटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस आर इंटेंजिबल राइट्स। इसका जो आपके पास है ये सारे आइटम जो बताया गया किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये सब चीजें पहले से ही आपको अरेंज करके रखना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मीन्स इक्विटीज एंड इंक्लूड द एक्सटर्नल इक्विटी, जिससे हम अभी बताए बैंक से लोन ले लीजिए या किसी भी तरीके से आप फाइनेंस करवा लीजिए या बिल्डिंग को ही फाइनेंस कर दें, मतलब उस पर लोन ले लें, मशीनरी पर लोन ले लें, ठीक। ये सब चीजें हम सोर्स ऑफ फाइनेंस इक्विटीज में, इक्विटीज कहते धन को, ये सब जैसे बिल्डिंग है ये अचल संपत्ति में मानी गई, ठीक है। इसको भी तुम बाद में चल संपत्ति कर सकते हो लेकिन अगर फाइनली ये पूछा जाए तो ये अचल संपत्ति में मानी जाती है, जो भी बिजनेस हो जिसमें भी। कैपिटल
refers the capital refers to the amount invested in an enterprise by its owners. हम उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया हो किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंटरप्राइज में, ठीक है। लाइबिलिटीज, थर्ड नेक्स्ट है पॉइंट, लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑबिलाइजेशन ऑफ एन इंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। देखिए, हमने शुरू में ही अकाउंट्स में बताया था किन किन स्टेज से आपको गुजर करके तब आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। लाइबिलिटीज मैंने बताया था, जिसको आपको पेमेंट करना है उसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। असेस चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, वो आपका असेस्ट में आएगा, जिसको हिंदी में हम संपत्ति कहते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज को देने के लिए ये फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ डज द अफोरसेड अकाउंटिंग इक्विटेशन में बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, टोटल असेस इक्वल टोटल इक्विटीज। असेस क्या है? इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। असेस में क्या लिया जाता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों को ऐड। तो इस तरीके से इक्वेशन का जो वो रहा मीनिंग मैंने बता दिया। अब इसका एनालाइज भी करना है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे, कहां पर, किस तरह से एनालिसिस करते हैं ये आप सुन लीजिए। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये वो एग्जांपल है अकाउंटिंग इक्वेशन टू रिकॉर्ड लोन बार, जो आपने कर्ज लिया है उसको हम किसमें, कहां पर, कैसे एंट्री करते हैं और उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप है वेरिएबल अफेक्टेड, मतलब ये किस मद में ले जाओगे, किस अकाउंट में ले जाओगे, ये पहले स्टेप में लाइए। ये किस किस अकाउंट को मिला करके तब हम लोन के अमाउंट को शो करते हैं। असेस्ड एंड लायबिलिटी, इसको हम असेस्ड में भी शो करते हैं, लायबिलिटीज में भी शो करते हैं, ठीक। लायबिलिटीज में इसलिए शो करेंगे क्योंकि आपको जो भी टाइम बैंक ने दिया होगा उस टाइम के मुताबिक आपको पेमेंट करना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। असेस्ड में शो करेंगे, ये भी आप जान लीजिए, असेस्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि वो अमाउंट आपके खाते में आपके नाम से तुरंत ट्रांसफर हो जाता है जो आपने लोन कर्ज लिया है। सेकेंड स्टेप है अफेक्टिंग अफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। भाई पैसा आया आपके खाते में, 10 लाख रुपया लोन लिया और पास हुआ, पास होने के बाद में आपके खाते में ट्रांसफर हो गया, तो खाते में ट्रांसफर हो जाने के बाद में वो आपका कैश बना नहीं बना, तो उसको हम असेस्ट में भी शो करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे और लायबिलिटीज में भी करेंगे। ले लिए हो तो इसका मतलब छोड़िए नहीं, ना देना देना पड़ेगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड तक देना होगा। फिर थर्ड स्टेप इसका है लोन का अकाउंटिंग पर दिखा दिया, कैपिटल बना लिया, लेकिन अगर आपने असेस्ट में 10,000 रुपीज अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाया है तो आपको लायबिलिटीज में भी दिखाना पड़ेगा और एक दिन कैपिटल आपका
जीरो हो जाएगा। ये असेस में आपका अत्यंत आया, ये एग्जाम्पल में बताए, लाइब्रेटरीज में आपका 1000 है, जब ये डेट होगे जब तक ये आपके पास रहेगा तब तक आपका कैपिटल है, लेकिन लाइब्रेटरीज कैपिटल है, जब आप दे देंगे वही कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा। भाई 10 लाख रुपया लिया और 10 लाख रुपया दिया तो आपका जीरो कंडीशन हो गया। ठीक, तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे तमाम इसके स्टेप्स हैं, तमाम क्राइटेरिया है, कहाँ पर कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका डिटेल अगले मॉड्यूल में दूंगा। फिलहाल इस मॉड्यूल में मीनिंग और एक एग्जांपल देकर के अकाउंटिंग इक्वेशन का आपको मेथड बता दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। ये देखो भैया, ये तो मैं कुछ दूसरा आएगा भैया, फिर देख ले तो फिर सी लाइव करी ये कुल का हो इंटरनेट स्टोरेज इज रनिंग लो खत्म होगा, कुछ नहीं होगा।